नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। रीवा में युवक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश सचिव सिद्धार्थ सिंह ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके स्वच्छ भारत के संकल्प को यथार्थ में रीवा संभाग में सफल बनाने के लिए पदयात्रा करने की जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उच्च शिक्षा मंत्री, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाया। यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनने के बाद मैं आज यहां, मेरी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया को माना जाता है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो भी कांग्रेस सरकार युवाओं के प्रति जो भी योजनाएं लागू की है, मैं उसको उन युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और दो ही तीन दिन बाद मेरी एक रीवा संभाग में पदयात्रा चालू होने वाली है जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलेगी। और चूंकि ये गांधी वर्ष है, 150वीं जयंती है गांधी जी की, उनकी प्राथमिक सोच थी कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो उसको लेकर मैं एक पदयात्रा करूँगा। वो पदयात्रा मेरी 10 से 15 दिन की होगी, उसके 3 दिन बाद। और उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस की सदस्यता अभियान चलाऊंगा, यूथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाऊंगा और उसमें यूथ कांग्रेस में करीब रीवा जिले के अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास करूंगा। और इसका सदस्यता अभियान में इसकी निःशुल्क रहेगी, कोई फीस नहीं रहेगी। और शहर में बढ़ रहे जो नशे का जो कारोबार है, उसको उच्च पुलिस प्रशासन की मदद से रोकने का काम करूंगा। जो युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का काम करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।